Hello guys, this is me Amini Saxena and welcome back to my channel. और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपना गर्म पानी जो मैं सुबह सुबह रोज पी रही हूँ. आजकल पहले नहीं पीती थी बट अब मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया है जो मैं गर्म गर्म पानी पीती हूँ सुबह उठते ही. और ये बात दुनिया के हर नेता को हर देश की सरकार को सोचनी है. तो यहाँ अब मैं थोड़ी देर अब मैं एकदम रिलैक्स हो चुकी हूँ, स्टीम ले चुकी हूँ और अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ. तो यहाँ पे मैं अपने बेसन को घोल रही हूँ क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा. और हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया ना वो गाय का बच्चा कैसे खेल रहा है अपनी मम्मी के साथ. तो यार प्लीज़ आप लोग भी ना कुछ भी यार घर से एक एक रोटी भी निकालोगे ना सब लोग तो एटलीस्ट हम लोग मतलब एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है, मैं उनको खाना डालती हूँ इसलिए, बट एक ही बंदा जब डालेगा तो फिर कैसे सारे जानवर को हम खाना खिला पाएंगे. तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर से एटलीस्ट एक एक रोटी दिन की निकालें जिससे रोड पे जो जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो रोड पे, वो भूखा ना रहे. पर आजकल तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में ही जानवरों को बस शौक के लिए पाल लेते हैं और फिर उसके बाद उनको ढंग से खाना वाना नहीं दे रहे हैं. क्योंकि मैं इन ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता चलता है ये चीज़ें भी हो रही हैं. तो प्लीज़ यार ऐसे मत करो, वैसे भी इतना बुरा दौर चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एटलीस्ट भगवान जी से तो थोड़ा डरो कि आप लोग ऐसे गलत गलत काम कर रहे हो. या फिर जो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं बट देख रहे हैं उसको भी आप रोक नहीं रहे हो. जो बुरा करता है उससे ज़्यादा जो बुरा देखता है और बुरा सहता है ना वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है. तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे लोगों का विरोध करें, ऐसे लोगों से लड़ें जो ये चीज़ें गलत कर रहे हैं. तो बस मेरा एक ये था मैसेज पहुँचाना कि मैं आप लोग को बता सकूँ कि यार प्लीज़ बहुत बुरा टाइम है. ज़रूरी नहीं है कि यार हो सकता है ये सब चीज़ें अच्छी हो जाए, हम लोग थोड़ा सा प्लांट्स ग्रो करें, हम लोग पेड़ पौधे उगाएं, जानवरों को खाना खिलाएं, कुछ अच्छा काम करें. यार कब कौन मर जाएगा किसी को नहीं पता, तो थोड़ा पुण्य ही कमा लो कि आगे जाके हमारी लाइफ अच्छी हो जाए. तो बस ये मैसेज था मेरा. तो प्लीज़ आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चाहे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या ना लगी हो, फिर भी इस मैसेज को आप लोग ज़रूर शेयर करें आगे, जिससे आगे भी लोग कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में. मैंने तो देखा है यहाँ पे मैं भी खाना खिलाती हूँ ना, लोग लड़ने आते हैं, बट यार इन जैसे लोगों के डर से हम लोग बैठ जाएंगे तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना. कि ये लोग तो कुछ अच्छा काम करते भी नहीं है और हम लोग को ऐसे धमकाते हैं, बट हम लोग भी हम जबकि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम डर के बैठ जाएं तो वो तो बहुत बड़ी गलत बात है. तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी रोड के जानवरों को खाना खिलाइए और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए. आप लोग अपने आसपास कहीं भी मिट्टी दिखे तो कोई भी बीज, टमाटर के ही बीज होते हैं वो, उसको निचोड़ के आ जाइए. कुछ भी आप उगा सकते हैं तो आप लोग ज़रूर उगाइए पेड़ पौधे, जिससे कि ये जो कोविड जैसी बीमारी है ना, ये आगे कोई भी बीमारी इस टाइप की ना आ सके या फिर आगे भी सब कुछ अच्छा हो जाए. और जो लोग आपके नज़र में हैं, जो लोग ये सब नहीं करते हैं और विरोध करते हैं इन चीज़ों का, उन लोग को भी प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए. मैंने अपने ब्रेड पकोड़े का बैटर जो है ना उसको भी घोल लिया है अच्छे से. और आज का मौसम पता है इतना प्यारा है ना दिल्ली में, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ. बिल्कुल बादल हो रहे हैं यार, मैं तो चाह रही हूँ और अच्छे से बारिश हो जाए जिससे बेचारे जो रोड पे जानवर हैं गर्मी में इतना परेशान है. हम लोग तो आराम से पंखे एसी कूलर्स में अपना बैठ जाते हैं, इन लोग को थोड़ी राहत मिल जाए. ये मैंने अभी गाय को खाना डाला है तो वो खा रही है वहाँ पे. यार ये बेचारी पार्क में आती है ना, ये पार्क बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, बट ये अब आती है ना तो लोगों को उसमें भी ऑब्जेक्शन है. बट मैं इन जैसे लोगों के डर से बैठने वाली तो हूँ नहीं, तो फिर मैं भी इनको खाना डाल के आती हूँ. बट मैं हाँ गंदगी नहीं फैलाती हूँ, मैं वहाँ जहाँ भी मैं कुछ डालती हूँ उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ जिससे लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो. तो अभी मैंने उनको खाना डाला है और वो अब खा रही हैं अपना आराम से. ये मैंने अपने घर के बाहर रख रखा है पानी का बर्तन, जिसके अंदर मैं 2 से 3 भर पानी भरती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्वीट डॉग्स हैं, जो कैट्स हैं और जो गिलहरी वगैरह हैं वो यहाँ पे आके पानी पीती हैं. मेरी शोनी ने आज हेयर स्टाइल किया अपना, दिखाओ. अरे वाह, शोनी का मेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है.
है ना कन्नू? कन्नू कौन सा हेयर स्टाइल कराया तुमने? नहीं बोलोगे? अच्छा ये लो लो, ये लो, आओ आओ ऊपर आओ। अब मैं फटाफट से अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, नहाऊंगी थोड़ा सा। अभी मैं नहाई नहीं थी तो मैंने सोचा कि अभी मैं हेड मैंने वो ऑयलिंग करी थी, स्टीम ली थी, मैंने सोचा अब मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर एक साथ मैं नहा के आ जाऊंगी। तो मैं जल्दी से, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जल्दी से अपना नाश्ता प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे आगे। तो यहाँ ये बन गए हैं मेरे ब्रेड पकौड़े और मैं अब मिलूंगी अपना नाश्ता करने के बाद आप लोगों से। फ्रेंड्स आज मैंने बहुत दिन बाद मेकअप किया था, मैंने सोचा हम घर में हैं बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। आज का वेदर बहुत अच्छा है दिल्ली में और हम लोग ने सोचा हम लोग निकल जाएं थोड़ा सा स्कूटी राइड पे, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ नज़ारे का मज़ा लेने।